फैज़ भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा मतलब तौबा उस्तक फैज़ से इंटर रिलेटेड है। क्या जैसे तौबा उस्तकफार की कंडीशन होती है कि वो गुनाह से रुक जाए, उससे फिर जाए, फिर उस्तकफार करे, उसको दिल से बुरा जाने और वो कभी ना करने की इरादा हो। पर मिसाल के तौर पे जैसे फिल्म देखना हराम है, और कभी क्या होता है, कभी दोस्त के प्रेशर से फिल्म देख लेता है, कभी पीर प्रेशर, जैसे कल ही गया, अभी टीम डिनर है, टीम के बाद पूरी मतलब डिनर के बाद पूरी टीम मूवी जाएंगी, इस तरह से होता है। तो और कभी शैतान बहका रहता है जानबूझ के, तो बार बार उससे वो गुनाह होते रहता है। तो इस हाल में इंसान क्या करे, उस पर रोशनी लगे। भाई ने मैंने जो तौबा इस्तगफार का कहा उसकी कंडीशन है कि वापस ना गुनाह दोहराए। तो कोई एक इंसान है मिसाल के तौर पर, वो सब बाकी चीज़ें कर रहा है, तौबा भी कर लेता है, लेकिन वो पिक्चर चला जाता है उसके टीम लीडर के प्रेशर में या कलीग्स उसके साथियों के प्रेशर में जो काम करते हैं, या एक्स वाई जेड कोई और भी वजूहत हो सकती है। अब इस मामले में क्या करें, तो याद रखिए, देखिए एक चीज़ तो ये है कि तौबा का माना ये कि इंसान उस गुनाह की तरफ वापस ना बढ़े। तो अगर पहला किसी ने तौबा की और फिर गुनाह रिपीट करा, इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, उसको सच्ची तौबा करना पड़ेगी। ठीक, इसलिए कि अगर तौबा को हम रस्मी रस्मी समझते ना, कस्टमरी के कुछ हुआ कि और तौबा बोले, तो हम बस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, नमाज पढ़ के, नमाज के बाद दुआ करना, दुआ के बाद पहले इधर देखना कोई देख रहा तो नहीं, तो उधर देखना कोई देख रहा, और जल्दी से ठक 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 ठक, ये है तौबा है ये। और वो भी ऐसा किसने देखना नहीं, क्यों तो देख लिया तो बोले आ गुनाह करके आया आज तू, तो बिल्कुल इधर उधर देखे, जल्दी से कर ली। और अगर कभी नजर पड़ गई मस्जिद में, ऐसा होता कभी कभी बैठे जिक्र कर रहे और कोई ऐसा कर लिया और अपनी, अरे फैज भाई देख लिया आज, तो बाद में मिलके, नहीं वैसे छोटा गुनाह था जी कर लिया, तो तौबा, मतलब वो ये समझ भी जाते हैं कि लोग समझ के गुनाह करके आया और वो छुप के इधर देख के कर रहा है। देखिए तौबा को कन्फेशन नहीं किसी के सामने आपको करना है, कोई रस्म नहीं है जो आपको अदा करना है, तौबा दिल से होती है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान ने एक गुनाह किया फिर दोहरा दिया, तो इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये भी नहीं है कि वो मायूस हो जाए अल्लाह से कि अब माफ़ नहीं होगा, फिर तौबा करे। लेकिन फिर तीसरी बार हो गया, इसका मतलब फिर दूसरी तौबा भी सच्ची नहीं थी, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, फिर वो तौबा कर। लेकिन तौबा का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा अजीम अमल है और गुनाहगार के लिए गुनाह माफ़ करवाता है तौबा इस्तगफार, और नेकोकार के लिए नेकियों में इजाफा करता है तौबा इस्तगफार। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह नहीं करते, लेकिन सारे तौबा इस्तगफार करते, क्यों? इसलिए कि इससे दर्जात बुलंद रहते हैं। तो नेक लोगों का तौबा इस्तगफार दर्जात को बुलंद करता है, नेकी है, गुनाहगारों के लिए माफ़ी करवाता है गुनाह। तो लिहाजा अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं है। दूसरा, आपने जो सवाल किया पिक्चर से रिलेटेड, पिक्चर्स एक्चुअली एडिक्शन है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ये एडिक्शन है। पिक्चर्स हो गया, पोर्नोग्राफी, आजकल जो फहश फिल्में लोग देखते हैं, इसके अलावा टीवी जो है बगैर देखे कि नींद भी नहीं आती कुछ लोगों को, उसको स्लीप मोड में डाल के आधा घंटा तक बकबक चलती रही तो नींद आती है उनको। ठीक है, तो ये एक तरह का नशा हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन इसको कहेंगे, इंसान उसका आदि हो जाता है, पिक्चरों में भी उसमें से एक आती है। दूसरा, पिक्चर देखने वाले लोगों को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पसंद आता है, वो रियल वर्ल्ड से परेशान होते हैं। रियल वर्ल्ड कैसा होता है, रियल वर्ल्ड के अंदर इंसान मेहनत मशक्कत कर रहा है, सालों में नतीजे नजर आ रहे हैं, कई सालों की मेहनत कर बच्चे जो है कुछ बन रहे हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कैसा होता है, 3 घंटे में सब कुछ, 3 घंटे में सब कुछ। एक साहब कहने लगे कि वो फला पिक्चर ऐसी थी वैसी थी, मैंने कहा देखिए पिक्चर है जैसी भी थी, ऐसी कोई पिक्चर बनाना चाहिए तो पिक्चर ठीक थी, कॉलेज में थे, अफेयर हुआ, अफेयर हो गया, फिर बहुत दिन अफेयर चला, ये हुआ, विलन बीच में आ गया, मारधाड़ हुई, डिशुम डिशुम सब हुआ, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद की पिक्चर बनाओ यार 3 घंटे की, क्या क्या होता, बीवी कैसा धोखे निकालती, मामलात कैसे हो जाते, डिवोर्स तक बात पहुंच जा रही, कर्ज लेके शादी कर लिया परेशान, रियल लाइफ नहीं है ना उसमें, एंटरटेनमेंट। तो जो लोग पिक्चर देखते हैं एक्चुअली वो रियल लाइफ से दूर लोग होते हैं। एक दूसरा, जितनी कौमें हकीकत से दूर है, तौहीद से दूर है, इस्लाम से दूर है, वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहती है और डिप्रेशन वर्ल्ड, दो ही दिन दुनिया में जिंदगी जीती है, यूरोप और अमेरिका दो ही गाँव में आ गया, तो एंटरटेनमेंट, मजा 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 मजा, ऐश, इंजॉयमेंट, या दूसरा डिप्रेस होकर गोलियां खाते पड़े कि डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन, या तो डिप्रेस जिंदगी जीते या तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते, रियल वर्ल्ड में नहीं जीते हैं वो। तो एक तो एडिक्शन, दूसरा रियल हकीकी दुनिया से दूरी का नतीजा होता है, ठीक, और तीसरा जो मैंने बहरहाल बात कही कि इंसान या तो डिप्रेस होता है, तो डिप्रेस इंसान क्या करता है मालूम, रिलैक्स करने के लिए ऐसी चीज़ों को देखता है। तो नफ्सियाती कुछ है तो पहले देखा जाए कि यार मेरी नफ्सियात की वजह तो नहीं हो रहा, जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो पिक्चर देखता हूँ, इसका मतलब आप डिप्रेशन के रिलैक्स होने के लिए पिक्चर देख रहे हैं, या फिर अगर पिक्चर देख रहे हैं मतलब आप रियल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान नहीं हैं, आप एक हाइपर वर्ल्ड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर आप एडिक्ट हो गए हैं। तो लिहाजा सॉर्ट आउट कीजिए क्या वजूहत है, उन वजूहत में डिप्रेशन से हो रहा तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लग जाइए,
एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में है तो आप हकीकत की तरफ जाइए कि जन्नत असल एंटरटेनमेंट है, तो मैं उसके लिए तैयारी करूँ तो ये पिक्चर आड़े ना आ जाए, छोटी सी चीज़ें बेकार, थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट है, पैसा भी जाएगा लेकिन आखिरत में आड़े आ जाएंगे। तीसरा, अगर मैं एडिक्ट हूँ इसका, आदि हूँ, तो फिर आदि होने के लिए उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट से मिलें, ताकि ये भी नशा है याद रखें, उसको आप बात करें, काउंसलिंग लें। अब एक दूसरा मसला छिड़का, साइकेट्रिस्ट बोले तो यहाँ बहुत बड़ा मसला है, पागल थोड़ी है मैं फर्स्ट भी कुछ ही बोलते क्या, एडवोकेट है तो डॉक्टर की बात है, पागल थोड़ी मैं बोल रही हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ काउंसलिंग कराओ। हर बार साइकेट्रिस्ट के पास पागल को नहीं जाना पड़ता है, वो जो है मेंटल डिसीज, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेंटल डिसीज, जहनी परेशानियाँ, डिप्रेशन, कुछ भी चीज़ के लिए वो जा सकता है, या काउंसलिंग के लिए को वाक़ देख लिया और वो उसके जहन से जा नहीं रहा, काउंसलिंग होती है, ठीक है। वरना हालात ये है हमारे पास इंडिया के अंदर कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल से निकला था छुपके निकलता, पहले देखता कोई देख रहा था नहीं और सीधा भागता, और अपन सलाम भी कर देना, नहीं देखने आया था मैं अच्छा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बिल्कुल वो हूँ, मैं देखने आया था, इतना मामला है कि तो पागल डिक्लेयर हो जाऊँगा ना समाज में। तो वो अगर एडिक्शन है तो काउंसलिंग करवाए, ताकि वो उस एडिक्शन से अपने आप को फिलहाल बचा सके, और वो जो आपने सवाल किया था उसकी तौबा सच्ची नहीं है तभी वो देख रहा है, वो तौबा करे। टीम लीडर का प्रेशर ये वो सब छोड़ दे, उनसे कहिए कि भाई मेरे को ये नहीं चलता, अगर तुम मेरे को 3 घंटे वहाँ बिठाएंगे तो मैं 3 घंटे ले आके स्लम में रियल लाइफ भी दिखाऊंगा तुम सबको, कुर्सी बिठा के दोगे बच्चा अब स्लम में कैसा काम कर रहा, रियल लाइफ वो है, एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मेरे साथ वो भी तो वो बोलेंगे नक्कू भैया तू जा तू मत आज, लेकिन वो 3 घंटे कौन बैठेगा वहाँ, समझ रहा। तो ये लेकिन कोई वजह नहीं है, आपको उसको छोड़ना चाहिए, रीजंस आप कोट कीजिए और बहरहाल उनसे दूर रहिए, ऐसे सोसाइटी ऐसे समाज से जो आपको उस तरफ बहरहाल ले जाता है।